हाय एवरीवन, आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वायरल विंडी केराटिन स्पा। एंड चलो देखते हैं रिजल्ट कैसा आता है। काफ़ी लोगों ने इसे बहुत ही ज़्यादा पसंद किया है एंड काफ़ी लोगों को बिल्कुल ही पसंद नहीं आया है। आप में से किस किस ने ये ट्राई किया हो कमेंट भी। फाइनली आज जाकर ये हो रहा है कि मैं अपने हेयर्स पर विंडी केराटिन स्पा करूँगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा वायरल है। तब से मैं सोच रही थी कि ये करूँ, इतना ज़्यादा वायरल ये क्यों है। तो चलो आज मौका मिला तो आपके साथ भी शेयर करते हैं इसे अप्लाई करने के बाद प्रोस एंड कॉन्स। तो चलो देखते हैं, सबसे पहले हम भिंडी को काट कर लेंगे छोटे छोटे हिस्सों में, देन इसे बॉईल कर लेंगे। जैसे कि आपने देखा, मैं भिंडी काट कर चुकी हूँ। अब कटे हुए भिंडी को पानी से उबाल लूंगी। बॉयल हो चुका है, गैस को ऑफ कर लेंगे। अब इसे हम ठंडा होने देते हैं। उबला हुआ भिंडी हो चुका है ठंडा, अब इसे ग्राइंड कर लेंगे। आप चाहो तो इसे दो बार छान सकते हो, इससे बहुत ही फाइन हो जाता है एंड क्रीमी वाला टेक्सचर देता है, बिल्कुल स्पा क्रीम जैसा। दो बार छान सकते हो मतलब ग्राइंड करने के बाद एक बार छानना होता है, फिर बाद में एंड में एक बार, बट मैंने एक ही बार छाना है। जैसे कि ग्राइंड करने के बाद मैंने भिंडी को फिर से गैस पे बिठाया है, फिर दो चम्मच राइस पाउडर से पानी से घोल बनाया है, फिर उसी घोल को भिंडी में ऐड कर दी है। भिंडी और राइस वाटर का मिश्रण जब थोड़ा सा थिक होने लगा है, तब गैस को कर दिया है ऑफ एंड थोड़ी देर के लिए ठंडा होने दिया है। ठंडा होने के बाद इस तरह से कॉटन कपड़े से छान लिया है। अप्लाई करने से पहले मेक श्योर अपने हेयर्स जो है थोड़ा सा गीला होना चाहिए, तो मैंने थोड़ा सा इसे गीला कर ली है। अपने हेयर्स बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, हेयर्स पे कोई ऑयल वगैरह लगा हुआ नहीं रहना चाहिए। तो चलो अब करते हैं अप्लाई। गाइस, इसमें मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी, मतलब आप जरूर ध्यान दें कि पेस्ट को ना बहुत ही अच्छे से छानना है, ताकि दरदरा ना रह जाए। अगर अच्छे से नहीं छानोगे ना, पूरा क्रीमी टेक्सचर नहीं बनेगा ना, तो ना आपके बालों पे ये चिपक सकता है एंड बाल धोने में आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। यह स्पा क्रीम अप्लाई करने के बाद बालों को अच्छे से कंघी करना ना भूलें। यह नेक्स्ट डे का वीडियो है, मैंने कल अप्लाई किया था। जैसे कि आपने देखा था, मैंने अप्लाई किया फिर कंघी किया। कंघी करने के बाद मैंने 2 आवर्स तक अपने हेयर्स पर यह रहने दिया। 2 आवर्स के बाद प्लेन वाटर से अपने हेयर्स को वॉश कर लिया था। उसी दिन आपको शैम्पू नहीं करना है, सिर्फ पानी से ही वॉश करना है। नेक्स्ट डे आपको शैम्पू कर लेना है। मैं उस भिंडी पेस्ट में कोई भी ऑयल ऐड करना भूल गई थी, सो मैंने पानी से वॉश करने के बाद हेयर्स पे ऑयल अप्लाई कर लिया था। अब मैं कर रही हूँ हेयर शैम्पू। हेयर शैम्पू के बाद आपसे दोबारा मिलती हूँ। जैसे कि आपने देखा, मैंने शैम्पू कर लिया था और अब मैं टॉवल ड्राई कर लूंगी। सो ये रहा मेरा फाइनल रिजल्ट। के रिव्यू में मैं जरूर कहना चाहूंगी, सच में ये एक अच्छा होम रेमेडीज है। इसे हम हफ्ते में एक बार कर सकते हैं और बालों को सच में बहुत ही सॉफ्ट करता है। यह स्ट्रेट करता है कि नहीं ये मुझे पता नहीं है, क्योंकि मेरा हेयर्स जो है वो स्ट्रेट है। सो एक बार लगाने के बाद मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ स्ट्रेट के बारे में, स्ट्रेटनिंग के बारे में, बट हाँ, यह बालों को सच में बहुत ही सॉफ्ट कर देता है, मुलायम कर देता है। ये अप्लाई करने के बाद अब जब अपने हेयर्स पे हाथ लगाओगे ना, बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट लगेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा, खुशी महसूस होगी। अगर आपने ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हो तो आपको पता होगा ही। अगर आप में से किसी ने ये अभी तक अप्लाई नहीं किए हो तो एक बार जरूर करके देखना। सो गाइज, आज का वीडियो यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें एंड न्यू वीडियोज के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाय।